और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दो चैलेंजर तो खाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन शक्कर जी अंडे को निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं, सोच रहे हैं निचोड़ ले उसके बाद खाते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा करी और चावल लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा करी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा करी के साथ में लगा हुआ चावल, तो आज हमारा अंडा करी चावल एटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में तीन चैलेंजर बैठे हुए हैं, शंकर जी, सतीश जी और राजू जी। तो देखते हैं तीनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 700 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ अंडा करी और चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन चैलेंजर एक साथ बैठे हुए हैं, तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दो चैलेंजर तो खाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन शक्कर जी अंडे को निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं, सोच रहे हैं निचोड़ ले उसके बाद खाते हैं। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं। और शंकर जी सोच रहे हैं आज सबको बैंड बजाना है, पहले फॉर्म में आना होगा, और खीरे को ब्रेकर को तोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, खाना जल रहा है। और कह रहे हैं गर्मा गर्म है राजू जी, और देखते हैं गर्मा गर्म है तो ये लोग भी गर्म गर्म उड़ा पाते हैं या फिर ये लोग ठंडे पड़ जाते हैं उसके साथ। बात गजब। और जिस हिसाब से खाना चाहते थे वो हिसाब नहीं लगा पा रहे क्योंकि थोड़ा सा गर्म है, और जब माहौल गर्म रहता है तो सब कुछ गर्म हो जाता है। तो आज जो चैलेंज है एकदम माहौल गर्म करके चैलेंज है। गर्म देखता रहेगा वो गर्म ही देखता रहेगा, और जो उड़ाएगा बात गजब। और शंकर की बाइट लगना चालू हो चुकी है, भी बाइट का नजारा दिखाते हुए शंकर आगे भागना चालू कर दिए हैं। वहीं पर राजू भी सोच रहे हैं कि अब शंकर से कम नहीं रहना है, थोड़ा सा अपनी स्पीड लेकर चलना है। और बीच में बैठे सतीश पूरी तरह से अभी चावल की बाइट तो ले रहे हैं, लेकिन अभी छोटी छोटी बाइट ले रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी बाइट में ही बहुत बड़ा राज रहता है, और बड़ी बड़ी बाइट में कई बार गड़बड़ हो जाता है, हाँ फंस जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भंडारा कर लेते हैं। और देखते ही देखते तीन के तीनों लोग पूरी तरह से भागना चालू कर दिए हैं मंजिल की ओर। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं, क्या राजू जी इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं। बहुत गजब। और देखते ही देखते सतीश जी का दो अंडा गायब हो चुका है, अभी मात्र दो अंडा बचा हुआ है और सबके थाली में तीन तीन अंडा बचा हुआ है, मतलब अंडा से बढ़त बनाते हुए सतीश आगे बढ़ना चालू कर दिया है। अढ़ाई अंडा है, अढ़ाई अंडा है। अच्छा अच्छा अढ़ाई वाला काम कर रहे हैं, बहुत गजब। देखते हैं अढ़ाई में ही रह जाते हैं या दो में आते हैं। अढ़ाइया वाला काम कर रहे हैं राजू जी। और देखते ही देखते तीन के तीनों लोग पूरी तरह से मंजिल की ओर भागना चालू कर दिया, और टाइमर की स्पीड अगर कहा जाए तो 1:50 के ऊपर टाइमर गया है, और यहाँ पर लगभग लगभग काफी हद तक का चावल समाप्ति की ओर पहुंचने वाला है। और देखते हैं तीनों चैलेंजरों में कौन फर्स्ट आता है, कौन इनाम की राशि लेकर जाता है। और शंकर जी सोच रहे हैं पहले सारे चावल को मिलाते हैं उसके बाद उड़ाते हैं, और ये लोग एक तरफ से खा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत कोई जोर दबाव नहीं है, जैसे मर्जी वैसे खाएं। और राजू कुछ न कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हैं, और लेकिन अभी चैलेंज कम्प्लीट होने के बाद बताएंगे क्या इनकी मंशा थी। हाँ बहुत गजब। और शंकर पूरी तरह से जितना चावल था पूरा का पूरा चावल पूरी तरह से मिक्स कर लिए हैं, बाइट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, और पिचकारी मार दिए हैं अंडे से पूरी तरह से। मारे हैं, खुद ही डर गए हैं, बहुत गजब। और सब पूरी तरह से अंडे को लीक कर दिए हैं और हवा निकाल दिए हैं अंडे की शंकर, और अब बाइट पे बाइट मारना चालू कर दिए हैं। जो पहला अंडा था उसी को भी निचोड़ के खाए थे, हाँ बहुत गजब। और जिस हिसाब से बाइट लगा रहे हैं शंकर, वो बाइट बहुत तगड़ी दिख रही है, और उस बाइट का जवाब दे रहे हैं सतीश और राजू। तो देखना है कि सतीश और राजू क्या कमाल करते हैं और शंकर क्या कमाल करते हैं। तीन के तीनों लोग जिस स्पीड से मंजिल की ओर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि एक ही कि शंकर जी आज बाजी मार जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजू जी के पास भी काफी ऑप्शन है, लेकिन अभी 100% नहीं लग रहा है राजू जी जीत पाएंगे, और सतीश जी तो हमको लग रहा है सिर्फ अंडा और चावल खा करके जाएंगे, बहुत गजब। और जिस हिसाब से लेकिन आ गए हैं फॉर्म में, सोच रहे हैं बड़ी बड़ी बाइट मारेंगे तब इन लोगों को पीछे कर देंगे। और राजू भी जिस हिसाब से शंकर भाग रहे हैं उसी हिसाब से राजू भी अपनी बढ़त बनाना चालू कर दिए हैं, और चाहेंगे तो शंकर से आगे हो जाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। और शंकर तो पूरी तरह से अपना दमखम लगाते हुए एकदम मंजिल के ओर भागना चालू कर दिए हैं। शंकर जी दो अंडा इधर से उधर घुमा रहे हैं, और राजू जी के पास एक अंडा बचा हुआ है, और एक अंडा लेके देखिए राजू क्या करते हैं, उस एक अंडे से राजू क्या कर लेते हैं, क्या शंकर को हरा देते हैं या शंकर खुद राजू से हार जाते हैं। दो तीन के तीनों लोग जिस स्पीड से भाग रहे हैं वो स्पीड ऐसा लग रहा है कि शंकर के स्पीड से
पीछे ही रह जाएंगे। और सतीश की जो स्पीड है, नहीं शंकर जी मिला लिए हैं, बाकी ये लोग मिलाए नहीं है, बाकी चल सेम रहे हैं। हाँ तीनों चले, प्रोडक्ट सेम ही चल रहा है, केवल सतीश का गायब हुआ है तो अंडा। और अभी दोनों लोगों के थाली में अंडा पूरी तरह से बरकरार है। हमको लगता है आपकी नजर सतीश के अंडे पर ही है। हाँ हमारी नजर सतीश के अंडे पर है, हमारी नजर तो भैया सबके अंडे पर है। बहुत बढ़िया। और आपका टाइमर जो है वो छिप जा रहा है सतीश, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमर चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, सबके लिए सेम चल रहा है, तीनों चैलेंजर साथ ही में ही चल रहे हैं। बहुत गजब। और 4:35 के ऊपर टाइमर अपनी स्पीड दिखाया है, और इस स्पीड में शंकर थोड़ा सोच रहे हैं कि अब सुस्ता लेते हैं, लेकिन सुस्ताने लगेंगे तो हमको लग रहा है सुस्त मुर्गा हो जाएंगे, क्योंकि अगर नो स्टॉप चलते रहेंगे तो उड़ा लेंगे, अगर सुस्ताने लगेंगे तो हमको नहीं लग रहा है खा पाएंगे। बहुत गजब। और शंकर डरा रहे हैं कि भैया अब हम नहीं खाएंगे, आप लोग भी मत खाइए, और यही कहते कहते शंकर जो है भी उड़ाना चालू कर देंगे तो दो के दोनों लोग पूरी तरह से धरे के धरे रह जाएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। और राजू जी ब्रेकर को तोड़ लिया है अंडा और चावल, देखते हैं कितने समय उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और जिस हिसाब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे राजू, वो ग्रीन सिग्नल राजू को मिल चुका है। अब देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर का पीछा करते हुए शंकर तक पहुंचते हैं या फिर बीच में ही, मतलब शंकर जी बोल दिए हैं एक बार, लेकिन देखते हैं अभी थीले टाइम आता है या फिर बोल जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ 5:30 पे शंकर पूरी तरह से ना बोल दिए हैं, और अब देखना है कि राजू क्या कमाल करते हैं, क्या राजू इस चैलेंज को मंजिल तक ले जाते हैं या फिर सतीश ही पार करते हैं। राजू जी भी बोल जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और बाइट पे बाइट लेना चालू कर दिए हैं राजू, और सोच रहे हैं कि अब अगर शंकर थोड़ा सा विराम दिए हैं तो हम अपने आप को आराम नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। ग्रेवी मंगाना पड़ेगा क्या? कह रहे हैं ग्रेवी नहीं चाहिए, और इतनी ग्रेवी से ही काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रही थी, छोड़ था। हाँ तो भैया जानते हैं ना, कह रहे खोद रहे हैं लेकिन अंत नहीं मिल रहा है। बात गजब। और आप सतीश सोच रहे हैं कि यार देखिए हमारे में कितना बचा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि सतीश इस चैलेंज को एकदम मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, क्योंकि पूरी तरह से आ चुके हैं अपने रौनक पर, और सोच रहे हैं क्यों ना हम इस चैलेंज में जीत हासिल कर लें। शंकर तो पूरी तरह से ना बोल दिए हैं, लेकिन बचे हैं राजू, राजू को तो हम ऐसे ही दौड़ा के ले लेंगे। बात गजब। लेकिन राजू भी अपनी बाइक लगाते चल रहे हैं, विन करते हैं या सतीश जी, और सतीश जी का वैसे ज्यादा चांस है राजू जी से विन करने का। हाँ क्योंकि सतीश जी के पास चावल की मात्रा कम होती नजर आई है, नहीं होती है नजर आ रही, ज्यादा है चावल अभी भी सतीश जी के पास। हाँ मिलाए नहीं है पूरा तो, लेकिन दोनों ही चैलेंजरों की टंकी फुल हो गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि चल नहीं पा रही है स्पीड इन लोगों की। क्या हुआ भैया, हम तो मना कर दिया, आप लोग भीग जाओ, ले जाओ इनाम, 7 मिनट हुआ है, 700 ले जाओ। राजू भाई तो है भी उठा रहे हैं, लेकिन वो बाइट जा नहीं रही है, गले में कुछ दिखा रहे हैं कि भैया दरवाजा शायद बंद होता नजर आया अभी ट्रक। हाँ अब ग्रीन सिग्नल मिला है, जब तक ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब तो तब तक सतीश वैसे ही मारते चले जाएंगे। ग्रीन सिग्नल मिला है, और शंकर जी भी इधर पानी पी रहे हैं, सोच रहे हैं कि एडजस्ट हो जाए तब तक। हाँ अभी शंकर चैलेंज में है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा भैया, बहुत अच्छी तरह से, कुछ कहा नहीं जा सकता। कह रहे हैं राजू, कह रहे हैं तो भैया इसके तो ही वाइट का खेल है, हम लोग तो बेकार में जूझ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। और सतीश जी विन कर लेंगे। आप ग्रेवी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप खाते रहिए, इसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए शंकर भी चालू हो चुके हैं लास्ट टाइम में, और कोई ग्रेवी की मात्रा ही नहीं ले रहे हैं शंकर, और सोच रहे हैं ग्रेवी से गरीबी नहीं आ जाए। मैं शंकर जी विस्फोट करेंगे, लेकिन इन लोगों को मौका दे रहे हैं। हाँ मौका बहुत दिए, बहुत तगड़ा मौका दिए थे, सिर्फ दौड़ने के लिए मौका दे रहे थे, और देखते ही देखते इस चैलेंज को पूरी तरह से शंकर जीत गए हैं। तो शंकर जीत गए हैं, तो शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। अंडा करी चावल ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में शंकर जिस स्पीड से दौड़े थे और उसी हिसाब से 5:30 में पूरी तरह से रुक गए थे, और सोच रहे थे कि देखते हैं ये लोग कहाँ तक भागते हैं, किस स्थान तक जाते हैं, लेकिन एकाएक
जैसे ही इनको ग्रीन सिग्नल मिला तुरंत इतना तेजी से भागे कि इस चैलेंज को जीत गए और इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुकी। पैसा मिल गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लग रहा है कि आजमा रहे थे कि ये लोग कितनी तेज भागते हैं और जीत नहीं जीतने के उसमें नहीं थे कि जीत तो जाएंगे, लेकिन इन लोगों का दौड़ा रहे थे कि दौड़े कितना दौड़ेंगे, लास्ट में पकड़ तो लेंगे ही हम। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।